नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट मनीष। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोशन ब्लर इफेक्ट प्रीमियर प्रो में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी ये टेक्स्ट एनिमेट करके रखा है, लेकिन जब ये एनिमेट होके आ रहा है तो देखिए काफ़ी शार्प दिखाई दे रहा है। और आफ्टर इफेक्ट में मोशन ब्लर ऐड करने के लिए एक वन क्लिक स्विच होता है। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये यहाँ से इस स्विच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी आप उन पर जैसे ही मोशन ब्लर ऑन वाले स्विच पर क्लिक करेंगे तो मोशन ब्लर यहाँ पे देखिए ऐड हो जाता है। लेकिन प्रीमियर प्रो में ऐसा कोई भी स्विच नहीं है जिस पर क्लिक करते ही मोशन ब्लर का इफेक्ट ऐड हो जाए। तो वो हमें कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने टेक्स्ट एनिमेट करके रखा है, अब हम चाहते हैं कि जब ये एनिमेट होके प्रोग्राम मॉनिटर में आ रहा है तब इसमें मोशन ब्लर का इफेक्ट दिखाई दे, शार्प दिखाई ना दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट पैनल पर जाएंगे और यहाँ पे हम वीडियो इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से डायरेक्शनल ब्लर जो है ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ये 15 फ्रेम्स तक जो है प्रोग्राम मॉनिटर में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे और जो है 15 फ्रेम्स पे पहुँच के की क्रिएट करेंगे यहाँ पर ब्लर लेंथ की। तो जैसा कि ये एक की यहाँ पर लग गई है और एक फ्रेम इसके पीछे जाएंगे, यहाँ पर भी एक की ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दो की फ्रेम ऐड हो गए हैं आप देखिए। अब हम स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो है ब्लर लेंथ इसकी 15 कर देते हैं और डायरेक्शन जो है इसका 90। अब जैसे ही हम टेक्स्ट को प्ले करेंगे तो ये देखिए जैसे ये एनिमेट होके आ रहा है कि अभी ये मोशन ब्लर का इफेक्ट नहीं आया क्योंकि हम स्टार्ट में यहाँ पर की फ्रेम लगाना भूल गए थे। तो यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाते हैं स्टार्ट में पहुंच के। अब की फ्रेम लग गया है, अब यहाँ पे जो है 15 करते हैं और यहाँ पे यहाँ तक 15 रहना है ये जो की फ्रेम है। और जो यहाँ पे लास्ट की फ्रेम है यहाँ पे इसकी ब्लर लेंथ जो 0 रखना है। तो जैसे ही अब हम प्ले करेंगे तो देखिए जैसे ही अब हम इसको प्ले करेंगे तो इसमें मोशन ब्लर का इफेक्ट ऐड हो गया है। आप जब भी इस तरह से ब्लर का इफेक्ट ऐड करें इसमें तो आप डायरेक्शन देख लीजिए कि किस डायरेक्शन से आपका टेक्स्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से इसका जो है ब्लर का डायरेक्शन भी चेंज कर दीजिए। दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।